हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र दो कच्चे आलू का बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता। अब इस नाश्ते को एक बार बनाएंगे तो हफ्तों तक एंजॉय कर पाएंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पोहा। तो यहाँ पर हमने एक कप जितना पोहा लिया है। तो ये मोटे दाने वाले पोहे हैं, आपके पास जिस तरह के भी पोहे हों आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पोहे को हम एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे और उसका हम एक फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से इसे हम पीस लेते हैं। तो पोहे का पाउडर तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे दो मीडियम साइज़ के कच्चे आलू। और सबसे पहले अपने आलूओं को हम अच्छे से पील कर लेंगे। तो पील करने के बाद आपको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी और स्टार्च वगैरह वो निकल आए। तो चलिए फटाफट से इसे हम पील करके वॉश कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों आलू को अच्छे से पील कर लिया है। और अब हम इस तरह का एक बोल ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। इसके बाद अपने आलू को हम इसी पानी में ग्रेट करेंगे। इससे हमारे जो आलू के लच्छे हैं वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरह से अपने दोनों आलूओं को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह के महीन वाले कद्दूकस का इस्तेमाल करने से आलू के लच्छे महीन निकलते हैं और ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कद्दूकस नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कद्दूकस कर सकते हैं अपने आलू को। आप चाहें तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, बस आपको इसके महीन लच्छे तैयार करने। तो अब इन आलू के लच्छे को हम इसी पानी में रहने देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी ब्लैक ना पड़े। तब तक की अपनी हम चटनी की तैयारी कर लेंगे। तो फ्रेंड, आज हम बहुत ही स्पेशल सी चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़े से पीनट को भिगा कर रखे हैं। तो यहाँ पर एक चौथाई कप जितना पीनट हमने भिगो कर रखा है। तो सबसे पहले इस भीगे हुए पीनट को हम एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कलियाँ लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अदरक और मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर ये गार्लिक वाली चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे नमक और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर इसका हम एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इस पेस्ट को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी चटनी का ये पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसे आपको पकाना वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको इसे एक डायरेक्ट बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। और अब अपनी चटनी के लिए हम एक स्पेशल तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चटनी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे पतला और मोटा रख सकते हैं, यानी कि पतला और थिक रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को मेनटेन कर लिया है। तो अब फटाफट से इसके लिए हम एक तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का बनाने के लिए हम एक तड़का पैन में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, 2 बड़े चम्मच जितना तेल लेंगे। और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें राई और जीरा साथ ही में ऐड कर देंगे। दोनों ही चीज़ें जब अच्छे से चटकने लगेंगी, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते और इसे भी हम अच्छे से चटकने देंगे। तो अब फटाफट से इस तड़के को हम चटनी में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर और भी स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे सिंपल रखा है। ये चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हमारी ये चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हम साइड में रख लेंगे और फटाफट से अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अपने पोहे को पाउडर बनाकर रखा था उसे हम ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह का महीन पाउडर आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो आप फटाफट से चलेंगे अपने गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच जितना तेल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितनी महीन वाली राई। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितनी सफ़ेद तिल, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पर हरी मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ी से कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ये सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी और इसमें अच्छी से खुशबू आने लगेगी, तो अब हमने जो अपने आलू के लच्छे तैयार किए थे उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे आपको डायरेक्ट पानी से निकाल कर इसमें ऐड करना है। इससे हमारे आलू के लच्छे बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ेंगे और हमारा नाश्ता देखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा। तो देखिए, आलू के लच्छे को हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ताकि हमारे जो आलू के लच्छे हैं वो जल्दी कुक हो जाएँ। तो यहाँ पर हम इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे आलू भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करते हैं, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बस 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, इससे हमारे आलू के लच्छे बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। नमक डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे जो आलू के लच्छे हैं वो अच्छे से गलने लगे हैं, लेकिन आपको इसे पूरा नहीं गलाना है। इसे आपको सिर्फ 50% तक ही कुक करना है। तो देखिए, यहाँ जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉयल आने लगेगा, तो अब हमने जो अपने पोहे को पीस कर पाउडर बनाकर रखा है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है उसी मॉइस्चर से हमारा पोहा काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, 2 से 3 मिनट आपको इसी तरह से इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि हमारा जो पोहा है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो ये मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसे शेप देना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से चकले पर इसे रख लेंगे और सारे मिक्सचर को इस तरह से रखेंगे और इसे हम हाथों से या फिर इस तरह से कटोरी से अच्छे से टैप करेंगे ताकि इसकी जो सरफेस है वो अच्छे से ईवन हो जाए और कहीं पे हमारा मिक्सचर मोटा पतला ना रहे। तो जैसे ये अच्छे से इवन हो जाएगा हम इस तरह का एक ग्लास ले लेंगे और इसे हम अच्छे से इस तरह से गोलाई में कट कर देंगे। तो इसकी हमें जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मोटी रखनी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कटोरी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे कट करने के लिए। जो भी धारदार चीज़ होंगी उससे आप इस नाश्ते को कट कीजिएगा, तो इससे हमारे नाश्ते का शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जो हमारा एक्स्ट्रा मिक्सचर बचा है उसे हम साइड में रख लेंगे और इस तरह से अपने नाश्ते को हम निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने सारे नाश्ते को बना लेते हैं। तो फ्रेंड हमने अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी आपके मेहमान आए तो आप उन्हें सेलो फ्राई या फिर डीप फ्राई करके इन्हें दे सकते हैं। तो अब अपने नाश्ते को हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, मात्र 2 छोटे चम्मच जितना, और अपने तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा अपने एक एक नाश्ते को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो जैसे ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा हम इसे पलट देंगे और पलट करके दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो अगर आपके बच्चे पोहे वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से पोहे का ये नाश्ता उन्हें बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसे हल्का सा भी सेक सकते हैं तवे पर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए इसे थोड़ा सा सेलो फ्राई किया है ताकि इसका टेस्ट और क्रिस्प बहुत ही अच्छे से आए। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से अच्छे से अलट पलट कर सेक लेंगे जब तक ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो जैसे ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे आप किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुका है हमारे पोहे का ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।